हेलो गाइस, दिस इज कैवी एंड यू आर वाचिंग कैवी ट्रेडिंग। तो देखिए, आप लोगों ने किया होगा थंबनेल और टाइटल। आज का वीडियो का टॉपिक है रीडिंग चार्ट्स। तो चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स बहुत हैं, पर मेजर है क्योंकि इम्पोर्टेंट है लाइन, बार और कैंडल। पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कैंडल को, क्यों? बिकॉज इट इज इजी टू रीड। तो कैंडल्स कितने टाइप के? टू टाइप्स। तो एक है बुलिश कैंडल और एक है बेयरिश कैंडल। दोनों का हाई लो सिमिलर ही रहता है, ऊपर जाएगा हाई आएगा, जाएगा लो आएगा, पर ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस रहता है। बुलिश में आपका ओपन होता है नीचे, क्लोज होता है ऊपर, सो दैट प्राइस इज पॉजिटिव, गोइंग पॉजिटिव। परसेंटेज चेंज जो रहता है, डेली चेंज या वीकली चेंज या मंथली चेंज आप पकड़ लो, तो वो आपका पॉजिटिव रहेगा। बट इन बेरिश इट इज़ नेगेटिव, पूरा ऑपोजिट है, ओपन ऊपर हो रहा है, क्लोज नीचे हो रहा है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चार्ट दिखा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी एसबीआई का चार्ट देखते हैं। एसबीआई के चार्ट में क्या हो रहा है, इधर देखिए आप, ये बुलिश कैंडल है, प्राइस यहाँ पे 200 पे ओपन हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 200, और क्लोज हो रहा है 224। अगर आपको पता नहीं चल रहा है इसको प्राइस ओपन और क्लोज किधर हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको सिर्फ रखिए। वेबसाइट नेम इज चार्ट लिंक, दिस चार्ट लिंक, बस आपके साथ बार में टाइप करिए अपने स्टॉक का टिकर नेम एंड यू विल गेट चार्ट, और आप कैंडलस्टिक पैटर्न चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे पीरियड और रेंज डालिए, आपको ये चार्ट दिखेगा। चार्ट में आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि ओपन हाई लो तो कितना क्या है, तो जो भी कैंडल का आप देखना आके माउस बटन रखिए, तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपको प्राइस वेरी होता दिखेगा, ये ओपन डेट, ओपन हाई लो क्लोज चेंज परसेंट एंड वॉल्यूम। ये जो चेंज परसेंट देख रहे हैं, ये है प्राइस का वेरी कितना हो रहा है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है। तो और शायद आपको बीच में डाउट है कि ये वीकली है, वीकली चेंज है या मंथली चेंज है या ईयरली चेंज है, तो वो डिपेंड करता है आप कितना रेंज पकड़े हो। आप यहाँ पे रेंज ही कर सकते हो, एंड इट विल गिव यू डेली चार्ट, वैसे ही मंथली पे जाके देख सकते। अभी आपने एसबीआई का चार्ट जैसे कि हम लोग को पता चल गया कि कैंडल कौन है, पर हमको ये पता नहीं कि हमको कैंडल का यूज़ क्या है। कैंडल का यूज़ आता है कि आप कैंडल से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे स्टॉक बुलिश आएगा या बुलिश जाने वाला है या बेरिश जाने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? ड्यू टू सम पैटर्न्स। ये है डोजी। सपोज ऐसा छोटा सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, डोजी का काम रहता है कि इंडिकेट करता है कि मार्केट रिवर्सल होने वाला है। अगर बेरिश पैटर्न आता है तो नीचे नीचे प्राइस जाता है और यहाँ पे डोजी बनता है, देन यू नो दैट कि बेयर्स का पावर ख़त्म हो रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा। इस फिगर में जैसे दिख रहा है उसका पावर ऊपर जा रहा था, पर यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बुल्स का पावर ख़त्म हो रहा है, तो नाउ बेयर्स आर एक्टिव। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा बेयरिश स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो और एक पैटर्न देखते हैं, और एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है हैमर का। इम्पोर्टेंस आपका मार्केट के बॉटम पे है, तो अगर मार्केट के बॉटम पे हैमर आता है तो आपका स्टॉक उड़ने वाला है, वो आसमान फाड़ जाएगा, इज गोइंग टू गो, मतलब आपकी लॉटरी लग गई। और इन इसको कुछ लोग बोलते हैं, मतलब क्या शूटिंग स्टार बोलते हैं। एक पैटर्न इज हैमर, इसमें क्या होता है ना, इसका इम्पोर्टेंस मार्केट के, अगर मार्केट के बॉटम पे हैमर बनता है तो आपका प्राइस ऊपर जाने वाला। और सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, इसमें क्या होता है ना, इसका इम्पोर्टेंस ऊपर रहता है मार्केट के ऊपर। अगर ये ग्राफ के ऊपर फॉर्म होता है कहीं पे भी, तो प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, बहुत नीचे जाएगा प्राइस, पॉकेट की तरह जाएगा। और नेक्स्ट आता है इनगल्फिंग बुलिश।
इनगल्फिंग बुलिश या बुलिश इनगल्फिंग, जो भी आप बोल लो, अगर कोई बुलिश कैंडल एक बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, देन का नेक्स्ट पैटर्न बुलिश ही होने वाला है, बुल्स का हो जाता है। आप इस कैंडल पैटर्न से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। कौन बोलता है कि स्टॉक मार्केट में आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कैन प्रेडिक्ट इट। और सिमिलरली इन बेरिश इनगल्फिंग या इनगल्फिंग बेरिश, तो इसमें क्या होता है ना, बेयर्स का पावर ज़्यादा हो जाता है बुल से, और नेक्स्ट पैटर्न में आपको बेरिश पैटर्न दिखेगा, तो इसमें आपको सेल प्रॉफिट निकाल के निकल जाना है। अगर रुकोगे तो आपको लॉसेस होने। देन हरामी बुलिश, हरामी बुलिश में ये इंडिकेट करता है कि मार्केट रिवर्सल, बेरिश पैटर्न जा रहा था, देन एक छोटा सा डोजी बन रहा है, दिस मीन्स बुल्स एंटर कर चुके हैं मार्केट को, तो द नेक्स्ट पैटर्न इज गोइंग टू बी बुलिश। नाउ लेट्स सी हरामी बेरिश, ये पूरा ऑपोजिट है हरामी बुलिश का, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होता है ना, बुल्स का दबदबा चल रहा था, देन ए डोजी इज फॉर्म बाय बियर्स, तो इसमें क्या होगा ना, फ्यूचर में आपको दिखेगा कि बियर्स आर इन टू द एक्शन, बियर्स ने अटैक कर दिया। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल प्रेडिक्शंस, क्योंकि तीन कैंडल का रहता है, दैट इज मॉर्निंग स्टार। अगर इस ये पैटर्न आपके चार्ट में कहीं पे भी आ गया ना, आपकी लॉटरी है चांदी चांदी। तो इसमें क्या होता है ना, आपका प्राइस बहुत हाई छूने वाला है, मतलब भागेगा पूरा, बुल्स का पावर पूरा दौड़ के ऊपर जाएगा। और इसका एक ऑपोजिट पैटर्न रहता है जो कि इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में अगर ये सिर्फ मार्केट के नीचे होता है, ऊपर फॉर्म होता है, और मॉर्निंग स्टार आपका मार्केट के नीचे फॉर्म होता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस वहीं पे ही है। अगर ये ऊपर फॉर्म हो रहा है देन इट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, आप नॉर्मल कैंडल पैटर्न देख के प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। अगर इवनिंग स्टार आपके मार्केट के ऊपर हो रहा है देन इट हैज़ इस इम्पोर्टेंस, अगर नीचे होता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप नॉर्मल पैटर्न देख के प्रेडिक्शन लगा। और हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से पैटर्न्स चाहिए, सिर्फ यही छः चाहिए। अगर आपका कोई कहीं पे बुलिश हरामी या इनगल्फिंग बुलिश या एक बुलिश हैमर आता है, मॉर्निंग स्टार आता है, या डोजी वाला मॉर्निंग स्टार बनता है, आप बस इसको मॉर्निंग स्टार लेके पकड़ के चलो, और इसको हरामी बुलिश पकड़ के चलो, ट्वीज़र बॉटम इतने कॉम्प्लिकेशन से घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन छः में से कोई भी एक पैटर्न आपको मार्केट के एंड पे दिखता है, व्हाट डू आई मीन बाय मार्केट के एंड पे, मार्केट के एंड के एंड पे मतलब ये है, वी शो यू ऑन द चार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बुलिश पैटर्न आ रहा है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये पैटर्न ऊपर भागने वाला है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एक हरामी बुलिश, तो मार्केट भागने लगा, फिर देन यहाँ पे इनगल्फिंग बेरिश, तो प्राइस थोड़ा नीचे आया, देन बुल्स ने पावर दिखाना चालू कर दिया, फिर यहाँ पे हरामी बुलिश आ गया, तो नाउ द प्राइस इज गोइंग अप अगेन। आप देख सकते हैं आने के बाद मूव कितना बड़ा हुआ है। तो ऐसे पैटर्न्स को देख के आप प्रेडिक्शंस लगा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और ये छह पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देख सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड ये चैनल को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न।